हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन मैप टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन ग्राउंड। तो ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन मैप और ये नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन ग्राउंड का जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इसके अंदर दोस्तों नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन मैप क्या हुआ कि जो हम मेजर करते हैं, तो ये मेजर क्या किया है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसमें ये मेजर क्या किया हुआ है, 8.6 सेंटीमीटर बाय 6.5 सेंटीमीटर मेजर किया हुआ है। और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन ग्राउंड क्या है हमारा, 14,143 मीटर स्क्वेयर, ये हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन ग्राउंड है। तो हम इस एग्जाम्पल का आरएफ फाइंड करके देखते हैं। और हम आरएफ के लिए ये भी जानते हैं कि आरएफ इज क्या है, यूनिटलेस है। जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो हमारा यूनिटलेस है। तो जो हमारी आरएफ की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, यूनिटलेस। तो हम यहाँ पर आरएफ फाइंड करते हैं। आरएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन मैप, जो हमने यहाँ पर जो मेजर किया है वो, तो 8.5 सेंटीमीटर इंटू 6.5 सेंटीमीटर। और जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन ग्राउंड वो क्या है, 14,143 मीटर्स स्क्वेयर। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे हमें जो वैल्यू दी है वो मीटर स्क्वेयर में दी है, तो हमें क्या करना है, ऊपर की वैल्यू भी स्क्वेयर में कन्वर्ट करना है। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम 8.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 55.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू मिली है उसको हम 14,143 से डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1/256। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट रहेगा और यहाँ पर मीटर स्क्वायर। अब हम इसका रूट निकालेंगे तो रूट निकलेगा 1/60। यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा और नीचे मीटर रहेगा। अब ऊपर सेंटीमीटर है और नीचे मीटर है, तो जो ऊपर का जो यूनिट है, छोटा यूनिट है, उसमें हमें नीचे की वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर हम जानते हैं। तो हम ये 60 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, ये जो सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मिलेगा 1/1600। ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मिल गया। तो इस तरह आप कोई भी एरिया और जो मेजर किया हुआ एरिया का आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।